इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जाट इकट्ठे करें एक जगह, इतने जाट इकट्ठे करना आसान काम है नहीं। तो बहुत बहुत हर चीज हुआ है, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर कुछ एक चीज ऐसी हुआ है, अगर बुआरी इकट्ठी हुआ है ना, क्या करे सारा सौदन साफ कर दिया करे, और जे खोल जाएगी तो फिर वह खुद ही कड़ंगा बन जाओ है। अपना मैं कहावत है, जाटड़ा और काटड़ा खुद क्या खड़ मारे करे, तो उस चीज की धारणा भी अलग करनी है। अभी आरक्षण की बात चली, सारे कह रहे आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है और हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी इस चीज का कि आरक्षण मिल जाएगा तो बाद में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब एक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक चुटकुला सुनाऊंगा और चला जाऊंगा। एक जाटनी चली गई किसी के घर, अरनो बली के बाड़ केक रहे हैं, बोला छोरी तो MBBS की तैयारी कर है, अरे छोरा IPS की तैयारी कर है। और फिर वह लुगाई जाटनी तो बोली तेरा ली केक रहे, बोला छोरी तो सोमवार का व्रत करिए मंदिर में जा रही है और छोरा कावड़ लेने जा रहा है। तो जाटा का यो हाल हो रहा है, आपन जो काम अपना नहीं है आप उसके पाछे पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर कल ना आरक्षण मिल भी जाओगा तो कावड़ लेने वाला नौकरी लगेगा के। तो ठीक है, धर्म है, अच्छी बात है, हमने बचपन से ये चीज पढ़ी है, करना चाहिए एक जो जायज हुआ है। पर जाट जमींदार का काम यो नहीं है कि आप धर्म के पाछे इतने पागल हो जाएगा, हम जो चीज ना भूल रहे हैं, जड़ता हम उठे हैं, जड़ता है ये इन बुजुर्गों का लगाएगा, देखो इनकी मेहनत है जो आज हम यहाँ हाँ सारे इकट्ठे हैं, आज हम सिर ऊंचा करके बात कर सका। तो सब तय, बस ये उम्मीद है कि अब शिक्षा इसी चीज जो है जो किसी आदमी ने बिठा देगी, किसी समाज ने गिरा देगी। तो ये जो आरक्षण के फंडे चले थे इसीलिए चले थे कि बच्चे शिक्षा ले हुए और आगे बढ़े। बस अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो जो देश हित में हो, अपने समाज हित में हो। जय हिंद।